Hello friends, this is Sumit Sarda and welcome to Fact Files. Today we'll talk about decommissioning cost. AS-10 के अंदर में recently decommissioning cost डाला गया था. बहुत सारे students को यही doubt था कि decommissioning cost exactly होता क्या है. और हम यहाँ पे ये भी treat करेंगे, ये भी देखेंगे कि इनका accounting treatment क्या होता है. ठीक है, चलिए हम देखते हैं. बेटा डीकमिशनिंग कॉस्ट यानी अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर एसेट कंस्ट्रक्ट किया है, किसी भी प्रकार का अगर आपने कोई एसेट कंस्ट्रक्ट किया है एंड इफ़ यू आर ऑब्लाइज्ड टू रिमूव सच एसेट, इफ़ यू ऑब्लाइज्ड टू रिमूव सच एसेट, तो वो रिमूवल का कॉस्ट जो फ्यूचर में लगेगा, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंस ऑफ रिमूवल of asset is known as this decommissioning cost. ये जो future में इसको remove करने का खर्चा है, because you obliged initially या तो law के कारण या contractually उस asset को remove करने के लिए आप अगर obliged हैं, तो उस खर्चे को हम लोग future में remove करने वाले cost को decommissioning cost कहते हैं. AS-10 ने recently आपको बोला कि जिस दिन ये asset आप construct करेंगे, ठीक है, the day the asset is constructed, you have to recognize the decommissioning cost. Okay, मेरी handwriting थोड़ी सी खराब है बेटा, please ignore the handwriting. सिर्फ मैं जो concept बोल रहा हूँ वो concept को समझने की कोशिश कीजिए. तो ये तो हमको कहा था अभी अभी recently AS-10 ने, which has been revised. हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि डीकमिशनिंग कॉस्ट क्या होता है. तो देयर इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है यहाँ पे डायग्राम में. एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तब इसको इसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म होने के बाद में रिमूव करना पड़ता है. वो रिमूवल के एक्सपेंस को डीकमिशनिंग कॉस्ट कहेंगे. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये डीकमिशनिंग कॉस्ट को हम हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे. ये किस तरह से होगा. नाउ सपोज द न्यूक्लियर प्लांट हैज़ अ लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, तो रिमूवल जो होगा वो 20 ईयर्स के बाद होगा. तो 20 ईयर्स के बाद में व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल. अब सर ये तो किसी को नहीं पता कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा, तो इट विल बी सेम एज कॉस्ट टू बी इनकर्ड टुडे फॉर रिमूवल. यानी आज अगर इसे हम लोग रिमूव करते हैं तो खर्चा कितना लगेगा, सपोज 10 करोड़. वी विल ऐड इन्फ्लेशन रेट टू इट फॉर 20 ईयर्स, कि 20 साल बाद का खर्चा कितना होगा, उसमें इन्फ्लेशन का रेट ऐड कर दीजिए, उतना हो जाएगा. ये अमाउंट मिल जाएगा टू बी इनकर्ड आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स. अब हम क्या करेंगे, इस खर्चे को हम डिस्काउंट करेंगे, इस खर्चे को हम डिस्काउंट करेंगे, और डिस्काउंट करेंगे फॉर 20 ईयर्स एट टुडेज डिस्काउंट रेट. उस अमाउंट को हम लोग हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे एसेट की कॉस्ट में. तो जैसे कि हम 10 करोड़ की बात कर रहे थे, अब सपोज़ कीजिए कि 5% इन्फ्लेशन रेट है हमारा, 5% इन्फ्लेशन रेट है और 10% का डिस्काउंट रेट है. तो हम लोग क्या करेंगे, 5% से इस कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देंगे, 5% से 10 करोड़ को इन्फ्लेट कर देंगे. रुकिए मैं ज़रा सा आपको कैलकुलेशंस बता देता हूँ कि अमाउंट कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे. तो 5% से अगर मैं बढ़ाऊं तो 10 करोड़ हो जाएगा 16.28 करोड़. और अगर मैं इस अमाउंट को डिस्काउंट करता हूं, डिस्काउंट क्यों, 16.28 करोड़ कब लगेगा, आज से 20 साल बाद. आज अगर 10 करोड़ रुपए में खर्च होता है पूरा का पूरा रिमूवल कॉस्ट, आज से 10 साल 20 साल बाद आज से सॉरी मैंने 10 साल का निकाला है, मैं चेंज कर देता हूँ, 20 साल बाद का हो जाएगा
26.53 करोड़। तो बेटा आज अगर इसे मुझे रिमूव करना है, सॉरी आज ये अमाउंट की अगर मुझे आज प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँगा वो हो जाएगा 39 लाख। तो हम 39 लाख का प्रोविज़न आज हमारे बुक्स में बनाएंगे। बेटा ये कैसे बनेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग, प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग 39 लाख्स। ओके, सो दिस इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट। पर बेटा डीकमिशनिंग कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड टू एसेट्स नहीं होता, ये डीकमिशनिंग कॉस्ट दूसरी चीज़ों का भी लगने वाला है, दूसरी चीज़ों का भी लगने वाला है। सर दूसरी कौन सी चीज़ें हैं? बेटा हमने जब पावर प्लांट की बात की थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद में जब आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करेंगे फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके यूजेज के बाद में जो इनका वेस्टेज निकलेगा, बेटा इन वेस्टेज को कूल यूनिट्स या फिर पानी में डीप बिलो हैज़ टू बी स्टोर्ड फॉर मिनिमम 2 to 3 years सो डैट इट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स गेट रिड्यूस्ड, उसका जो रेडियो एक्टिव पोर्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और फिर उसके बाद में इसे आपको कहीं तो डीप बीनीथ अर्थ स्टोर करना पड़ता है। सो दिस कॉस्ट इज़ वेरी ह्यूज। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जो यूज़ कर रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी हमें कहीं ना कहीं रिमूवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने वाला है। जब आप ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ कर लेंगे, इनसे रिलेटेड इनके डीकमिशनिंग कॉस्ट को भी हमें हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है एज़ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस बार मैं जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है IND AS 37, ठीक है, प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। ये डीकमिशनिंग कॉस्ट को भी हम हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, पर ये एसेट के अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, ये PNL में डेबिट होगा, PNL टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। अब बेटा ये वाला जो डीकमिशनिंग का कॉस्ट है, ये कॉस्ट 20 साल से डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये हर 2-3 साल में आपको एक बार इसे कहीं ना कहीं जाके वेस्ट को रिमूव करना है। सो दिस विल बी डिस्काउंटेड फॉर 2 to 3 years। सो देयर इज अ डिफरेंस इन डीकमिशनिंग कॉस्ट। डीकमिशनिंग कॉस्ट दो तरह के होते हैं, एक रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और एक रिमूवल ऑफ वेस्टेज। रिमूवल ऑफ वेस्टेज PNL में डेबिट होता है, और जो एसेट से रिलेटेड है वो एसेट में डेबिट होता है। इसका फ्यूचर अकाउंटिंग क्या होगा? 39 लाख रुपीज़ हमने आज हमारे बुक्स में दिखाए हैं, पर एक्चुअली तो एंड में 2 करोड़ लगेंगे। बेटा इन सभी डीकमिशनिंग कॉस्ट पे ईयर एंड पे इंटरेस्ट एलिमेंट की अकाउंटिंग होती, तो 39 लाख की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 3.9 लाख्स। ओके सर, ये 39 लाख को आज हमने हमारे बुक्स के अंदर में क्यों दिखा दिया? बेटा इसको दिखाने के पीछे का बस एक ही रीज़न है, ये 39 लाख रुपीज़ को ताकि हम डेप्रिशिएट करें ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, क्योंकि ये वाला डीकमिशनिंग कॉस्ट आने वाले 20 साल तक हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में उससे रिलेटेड है, जबकि जो दूसरा डीकमिशनिंग कॉस्ट है, दूसरा डीकमिशनिंग कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये तो इमीडिएट यूटिलाइजेशन के लिए, इसलिए इमीडिएटली इसको PNL में डाल देते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, दिस इज़ द 4th वीडियो दैट वी आर एडिंग।